मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले काहला बिशुनपुरा बाज़ार में। आज धनतेरस का दिन है, 13 तारीख को हम यह वीडियो बना रहे हैं। कल 12 तारीख था, कल भी धनतेरस था और आज भी धनतेरस है। हम यहाँ पे एक सुनार की दुकान पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे कस्टमर तो बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं, दुकानदार ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अब इन लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या जो बिक्री है वो पहले के जैसा रह गया है या नहीं रह गया है। या आप अपना नाम बताएं। सीधी बिक्री नहीं है, अगले साल से इस साल बहुत फर्क पड़ा है। कुछ तो कोरोना मार खाया है, कोरोना में कुछ काम नहीं हुआ है। उसके बाद बाढ़ आया है, बाढ़ के बाद बारिश भी तबाह किया है। लोगों के पास पैसे भी नहीं है। बाजार में आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ है, रोज इतना ही भीड़ लगता है साग सब्जी के लिए, उतना ही आज भी है। धनतेरस से कोई फर्क नहीं पड़ा है, कैसे भी टाइम गुजार रहे हैं बस। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक और बैठे हुए हैं, इन्हीं में क्या है जो बिक्री है वो अगले साल के जैसा ही है या कुछ कम ज्यादा हुआ है? नहीं, अगले साल के जैसा नहीं है, बिक्री बहुत कम है। बिक्री बहुत कम है, बिक्री हो नहीं रहा है। बिक्री हो नहीं रहा है, मंदी का दौर चल रहा है। धनतेरस में तो बहुत बिक्री चलता है, बिक्री चलता है लेकिन बिक्री पहले जैसा नहीं है। और कोरोना में तो बंद ही चला। कोरोना में तो बहुत समस्या खराबी चला, बंद ही चला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है या वो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं? पैसे भी नहीं है और काम भी नहीं है। काम होता तो पैसे आता, ना काम है ना पैसा है। सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो पैसा आएगा तभी तो खर्चा होगा। इसमें शादी का मौसम, शादी भी बहुत नहीं हुआ, अब खर्चा आएगा पैसे कहीं से, तो शादी ब्याह भी होगा, कुछ सामान का तो कुछ नहीं बिक रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए टाइम निकाल रहे हैं। साल तो लगभग कोरोना में ही, आप देख ही रहे हैं कि जो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। यहाँ पे जो सामान जो अगली साल हम लोग 1000 का बेचते हैं, इस समय 200 का भी नहीं बेच पाए। हाँ, तो मंदवारी आप देख ही रहे हैं, कितना मुसीबत से हम लोग गुजरे हैं। काम बिल्कुल नहीं है बाजार में, और लोगों के पास पैसे भी नहीं है, और पैसे पे ही पूरी आर्थिक व्यवस्था, पैसे से सब कुछ है। पैसे है ही नहीं तो कहाँ कुछ है, बाजार में कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसा नहीं है। अब सरकार बदली है तो देखिए क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जो यहाँ पे बिक्री है, अवेली लोगों का कहना है कि ना के बराबर है, हालांकि कुछ ना कुछ तो लोग खरीदते होंगे। हाँ, वही टाइम पास, कोई कचौरी ले जा रहा है तो कोई चम्मच, कोई बड़ा चीज़ नहीं बिक रहा है कि 100-200 का बिका, 10-5 तो ही बिक्री हो रहा है बस, यही। इससे बड़ा कोई बिक्री नहीं हुआ है। सुबह से अभी तक 1000 का बेच चुके हैं चम्मच और कटोरी। कल भी तो बिका होगा, कल भी यही स्थिति था, दो दिन मनाए धनतेरस, स्थिति यही है दोनों दिन का। आज भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है कि दूसरा दिन बदलाव होगा, कुछ बदलाव नहीं है। एक कपड़ा वाले यहाँ पे भाई साहब है, दुकानदार भाई साहब, ये बताइए कि आप अपना नाम बताइए। पर विवेक कुमार। विवेक कुमार, जो ये कपड़े की बिक्री है, अभी छठ दीपावली का मौसम है, तो पहले जैसा ही थे, अगली साल जैसा ही है या कुछ कम ज्यादा हुआ है? नहीं, अगली साल से आधा है। ठीक है, बाजार चला है लेकिन आधा पर चल रहा है। जिसमें उसने कोरोना का भी समस्या था और बाढ़ भी आ गया था, लोग के भी गेहूं और धान भी नहीं, वैसे कि घर में अनाज रहता है तब तो लोग कपड़ा चाहे कोई भी काम करते हैं। इस समय लोग के पास पैसा के भी अभाव है। ठीक है, बाजार चला है, चल रहा है लेकिन अगले जैसा साल नहीं चल रहा है। अगले साल जैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि छठ कुछ नजदीक आए तो इसमें बढ़े। देख रहे हैं जो मार्केट का हालात है, कोरोना काल की वजह से बिल्कुल मंदी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे जो दुकानदारों का कहना है कि बिक्री पूरी तरीके से चल नहीं रहा है। अब देखना ये है कि जो जब लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तभी जाकर उनके पास पैसे होंगे और उसके बाद से ही मार्केट में रौनक होगा। तो हालांकि दीपावली का टाइम है अभी, तो कुछ मार्केट में रौनक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजह से उदासी ही मार्केट गुजर रहा है। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।